never got that chance. You stole that from me. My future. My family. And now. तो दोस्तों डोमिनो टोरेटो यानी कि हमारे जो है विन डीजल फिर से वापस आ गए हैं उनकी फास्ट एक्स सागा लेके, यानी फास्ट एंड फ्यूरियस का नेक्स्ट पार्ट फास्ट एक्स को लेके, जो कि उसका जो है मूवी का 10th पार्ट होगा। और जो है मूवी अब इस बार जो है थोड़ी अपस्केल की जाएगी, स्टोरी लाइन में जो है बहुत सारे चेंजेस और स्टोरी लाइन फास्ट 9 से ज़्यादा अच्छी होगी। जैसे कि आपने देखा 2021 में F9 आई थी, तभी जो है मूवी पे बस इतना ही जो है सवाल था कि मूवी ओवरऑल एक्शन सीन्स में सब अच्छी थी, बस मूवी के जो है स्टोरी लाइन कहीं ना कहीं फीकी थी। तो जब पता चला बाद में, फिर भी मूवी का इतना अच्छा रिस्पॉन्स था बॉक्स ऑफिस पे, फिर भी मूवी ने जो है पैंडेमिक में होते हुए भी मूवी ने भाई इतने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। तो जब राइटर ने ये देखा, जो F9 के जो राइटर है, तो उन्होंने ये देखा कि इस बार जो है F10 में वो ज़्यादा अच्छी जो स्टोरी लाइन प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ मूवी को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं ट्रेलर की बात करूँ, तो पहले जो ट्रेलर, अगर मैं ट्रेलर में एक्शन की बात करूँ, तो भाई फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज जानी जाती है उनकी जो है गाड़ियों के वजह से, एक्शन सीन्स के वजह से, यूनिक जो एक्शन सीन्स है उसकी वजह से, हाइस्ट के वजह से और साथ ही साथ उसकी कास्ट के वजह से, यानी जितने भी जो कास्ट है ओवरऑल उन सब के वजह से। इसमें जो है कुछ कुछ कास्ट ऐड की गई है, जैसे कि कैप्टन मार्वल, जो कि कैप्टन मार्वल थी हमारी, उनका भी, उन्हें भी जो है ऐड किया गया है, और बहुत सारे कैरेक्टर है पुराने उन्हें भी ऐड किया गया। और ट्रेलर जब मैंने देखा तो उसमें जो है F5 की भी थोड़ी झलक दिखाई गई है, क्योंकि जो जेसन मेमुआ है वो जो है इनके पीछे क्यों पड़े हैं वो हमें जो है ट्रेलर में काफ़ी हद तक बता दिया गया है। क्योंकि जब F5 में जब वो जो है वॉल्ट को चोरी करते हैं तो वॉल्ट इनका होता है, ऐसा ट्रेलर में बताया गया था। और साथ ही साथ वो जो ब्रिज पे वॉल्ट से वो मारते हैं जिन्हें, तो उनकी फैमिली होती है, ऐसा हमें ट्रेलर में बताया गया है काफ़ी हद तक। और अभी हम जो है इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते, पर फिर भी अगर मैं इस जो है मूवी की स्टोरी लाइन की बात करूँ, या फिर कुछ अगर मैं ट्रेलर की जो है एक्शन की बात करूँ, तो भाई F9 का जो लेवल एक्शन का था ना, और जो ट्रेलर कटिंग थी वो ज़्यादा एंगेजिंग थी। मुझे F10 से ज़्यादा उम्मीदें थी, कुछ कुछ हद तक एक्शन सीन्स थोड़े बहुत ये लगे, पर जो बॉल का था वो काफ़ी हद तक सेम, मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। जितने भी एक्शन देखे वो ज़्यादातर ओवर द टॉप नहीं लगे, बस जो एंड का जो गाड़ी वाला था, अब वो मूवी में फिजिक्स से कितने रिलेटेड होगा वो हमें पता नहीं। F9 में हमने देखा कि लॉजिक ना ज़्यादातर स्टोरी में थी, ना ही ज़्यादातर एक्शन में थी, पर जो जिस तरह से कन्विक्शन थी भाई, वो देख के ही एक्शन के लिए मैं मूवी को ज़्यादा पसंद करता हूँ F9 को काफ़ी हद तक। पर उसकी जो है बेस्ट अगर मैं मूवी कहूँ तो वो F7 है, उससे ज़्यादा बेस्ट नहीं। पर अब ये F10 को देखना होगा। जेसन मेमुआ है, फिर जेसन स्टैथम है जो कि हॉब्स एंड शॉ में थे, और ज़्यादातर अभी देखना होगा कि ड्वेन जॉनसन भी क्या मूवी में अपीयरेंस कर सकते हैं। काफ़ी हद तक इसमें बताया जा रहा था कि वो मूवी में नहीं आने वाले, क्योंकि विन डीजल और उनकी काफ़ी कुछ रूमर के हिसाब से लड़ाई हो गई थी। पर भाई अब अगर मूवी को हिट बनाने और अगर ड्वेन जॉनसन आते हैं फास्ट एक्स में, तो भाई मूवी खतरनाक बनी। और अगर मैं बात करूँ कि मूवी, तो मूवी ये जो है अब बिगिन हुई है, यानी कि फास्ट एक्स का जो है ये पहला पार्ट होने वाला है। वो ऑफिशियली कन्फर्म नहीं है, पर ये काफ़ी हद तक बताया जा रहा है कि फास्ट 10 का जो है आखिरी सफ़र होने वाला है। इसमें जो है पहला पार्ट आएगा वो ये होगा फर्स्ट पार्ट, और जो सेकेंड आएगा वो या तो 2024 में ही आ जाएगा या तो 25 तक रिलीज होगा। पर अभी उसका दूसरे पार्ट का कन्फर्म नहीं है, पर मूवी बताई जा रही है कि दो पार्ट में वो लास्ट को रिलीज करेंगे, यानी कि ये सेकंड लास्ट होगी, उसके बाद लास्ट मूवी आ जाएगी जो कि एंड कर देगी सारे इसको। तो अब देखते हैं क्या होता है भाई। ओवरऑल जो है ट्रेलर बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, मीन्स वाइब अच्छी दे रहा है। बस अब ये कन्फर्म नहीं, अगर इसका ट्रेलर 2 आता है आगे, तो फिर शायद हम इसमें और बातें कर सकते हैं। पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसी ट्रेलर पे एक और वीडियो लाने की। तो यार जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक टेक केयर एंड बाय बाय।